गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कन्वर्सेशन का पेज नंबर 10 आई लव वेजिटेबल्स इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये क्या करें, ये है हम एक बार पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से इसको अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। हाँ देखो, ये यहाँ पर फोटो क्वेश्चन है, उसका हमको क्वेश्चन आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1, नेम ए लीफी वेजिटेबल। लीफी मतलब क्या है बच्चों, पत्ता जो होता है ना, पत्ता, उसको लीफी बोलते हैं। नेम ए लीफी वेजिटेबल, कौन सा वेजिटेबल को लीफी वेजिटेबल बोलते हैं। स्पिनाच इज ए लीफी वेजिटेबल। स्पिनाच मतलब क्या है, पालंग का साग जो होता है ना, पालंग साग को स्पिनाच बोलते हैं। स्पिनाच इज ए लीफी वेजिटेबल, क्या, स्पिनाच इज ए लीफी वेजिटेबल। नेम ए लीफी वेजिटेबल, स्पिनाच इज ए लीफी वेजिटेबल, स्पिनाच इज ए लीफी वेजिटेबल। क्वेश्चन नंबर 2, नेम ए रूट वेजिटेबल्स। नेम ए रूट वेजिटेबल्स, देखो यहाँ पर एस लगा है ना, यहाँ पर दो ठो वेजिटेबल्स है इसीलिए यहाँ पर एस लगा है। नेम ए रूट वेजिटेबल्स, कौन सा वेजिटेबल में रूट होता है। रूट मतलब उसका चेयर जो होता है ना, उसको रूट बोलते हैं। कैरट एंड रेडिश आर रूट वेजिटेबल्स। कैरट एंड रेडिश आर रूट वेजिटेबल। कैरट मतलब गाजर और रेडिश मतलब मूली। कैरट मतलब गाजर और रेडिश मतलब मूली, यह है रूट वेजिटेबल। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई शुड वी ईट वेजिटेबल्स। हम लोग वेजिटेबल्स को क्यों खाते हैं, हाँ आप लोग वेजिटेबल्स क्यों खाते हो, क्योंकि हमें हेल्दी स्ट्रॉन्ग एंड टॉल बनना है, इसलिए हमको इसलिए हमें वेजिटेबल खाना चाहिए। देखो, व्हाई शुड वी ईट वेजिटेबल, वी शुड ईट वेजिटेबल्स टू मेक अस हेल्दी स्ट्रॉन्ग एंड टॉल। हमें हेल्दी स्ट्रॉन्ग एंड टॉल बनने के लिए वेजिटेबल खाना चाहिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच इज योर फेवरेट वेजिटेबल्स। ये जो सब तरह का वेजिटेबल्स होता है, किसी को पटाटो, किसी को टमाटो, किसी को गाजर, किसी को मूली, सब अच्छा लगता है कि नहीं। तो आपको जो वेजिटेबल्स अच्छा लगता है, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर उसका नाम लिखना है और बोलना है। व्हिच इज योर फेवरेट वेजिटेबल्स। माय फेवरेट वेजिटेबल्स आर, आपको जो जो वेजिटेबल यहाँ पर अच्छा लगता है उसका नाम लिखना है यहाँ पर, ओके। माय फेवरेट वेजिटेबल्स आर पटाटो, टमाटो, ये सब आपको यहाँ पर लिखना है। जो वेजिटेबल आपको अच्छा लगता है खाने के लिए उसका नाम लिखना है, ओके। फिर ये क्या करना है, ये आपको घर में क्वेश्चन आंसर करके उसको प्रैक्टिस करना है।